विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते सापाक्स के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट से प्रभावित लोगों की कहानी छापकर घर घर तक पहुंचाएं। एससी एसटी एक्ट में संशोधन के बाद इसका विरोध दर्ज कराकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली पार्टी सापाक्स अब चुनावी मोड में है। इसी क्रम में सोमवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने अशोकनगर जिले के मुंगावली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप एट्रोसिटी एक्ट भाजपा व कांग्रेस की क्या भूमिका है उसको जनता के बीच में पहुंचाएं। अब हमने निर्णय लिया है कि ये अभी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं इसमें सभी 230 सीटों पर लड़ेंगे। जो संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके सहयोग से हम लड़ेंगे और इस प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछेगी कि ये सब एट्रोसिटी एक्ट में गलत कानून पास हुआ तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला, और इस कारण ये लोग अब जनता के बीच में जाके मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमें उम्मीद है जनता इनके सभी अत्याचारों का, इनके सभी गलत निर्णयों का इस बार जवाब देगी। हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि आप उन लोगों पर नजर रखें जो एससी एसटी एक्ट के शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों से मिलकर उनकी पूरी कहानी लिखें और घर घर इसको पहुंचाएं, जिससे कि सरकार को भी यह पता चले कि आम नागरिक इनके द्वारा उठाए हुए कदम से कितना परेशान है। त्रिवेदी ने कहा कि हम प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे।